परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हम बात कर रहे थे चैप्टर 2 कच्छ की सैर। इसमें हमने देखा था भारत के सौंदर्य का कि भारत एक सौंदर्य प्रधान देश है और इन्हीं का एक राज्य गुजरात का जिला है कच्छ। कच्छ के सौंदर्य और उसके आसपास देखने लायक सुंदर स्थलों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे इसी ही ऐसे ही एक काव्य की, मत बांटो इंसान को। इसमें काव्य है 3 मत बांटो इंसान को। इस कविता में श्री विनय महाजन जी ने कहा है कि संपूर्ण मानव जाति एक विशाल मानव परिवार है, कि पूरी की पूरी मानव जाति है वो एक परिवार की तरह है। सभी मनुष्य समान है, कोई भी उच्च नहीं है, कोई भी नीच नहीं है। हिंदू मुस्लिम किसी भी प्रकार के मनुष्य है, वो सभी मनुष्य एक है। प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया है, कि ये पूरी प्रकृति ने सभी मनुष्यों को एक जैसा ही बनाया है, कि मनुष्य भले ही गरीब हो या अमीर हो, परंतु है तो एक मानव परिवार ही। सबको एक जैसा बनाया है, वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है, कि लोग एक दूसरे से कैसा व्यवहार करते हैं। परंतु यह बड़े दुख की बात है कि लोगों ने आपस में भेदभाव की दीवारें खड़ी कर ली हैं, कि ईश्वर ने तो मानव जाति को एक परिवार की तरह ही भेजा था, सभी मनुष्य समान नहीं भेजा था। प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया, कि इस प्रकृति ने कोई काले है या गोरे है ऐसे नहीं, परंतु सबको एक जैसा ही बनाया, वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। परंतु यह बड़े दुख की बात है कि लोगों ने आपस में कि हमने ही आपस में भेदभाव की दीवारें खड़ी कर ली। इन्हीं भेदभावों के कारण दुनिया में अनेक प्रकार के संघर्ष होते हैं, कि हमने ही उच्च नीच का भेदभाव, जाति पाति का भेदभाव, गोरे काले का भेदभाव, यही मनुष्य ने तो हमें एक समान ही एक परिवार की तरह ही यहाँ पर भेजा था। परंतु उसके बीच में बड़े दुख की बात ईश्वर करते हैं कि यह बड़े दुख की बात है कि आपस में आप सब ने आपस में भेदभाव की दीवारें खड़ी कर ली। इन्हीं भेदभावों के कारण दुनिया में अनेक प्रकार के संघर्ष विकर्ष होते हैं। इसी काव्य में कवि ने हमें सभी भेदभावों को भूलकर कि उच्च नीच के, काले गोरे का, जाति पाति का, सभी प्रकार का भेदभाव भूलकर हमें ये मिलजुल कर रहने की सीख दी है। इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। सभी भेदभावों को भूलकर एकता की दृष्टि से संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। इस कविता में विनय महाजन जी ने कहा है कि हमें कि एक परिवार की तरह ईश्वर ने हमें भेजा है, परंतु हमें सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। मनुष्य को किसी भी प्रकार का भेदभाव, जाति पाति का, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। और हमें सभी भेदभाव को, अगर भेदभाव है तो इन सभी भेदभावों को भूलकर हमें एकता की दृष्टि से, समानता की दृष्टि से हमें संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें हमेशा निरंतर यही सीख देती है। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्यों का समाविष्ट हुआ है, कि कवि ने इसी प्रकार कहा है कि हमें ये पूरे परिवार की तरह सारी ही सभी से एकता से मिलजुल कर और समानता की दृष्टि से ही रहना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कविता का सार। कवि दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान तो सबका एक ही है, परंतु तुमने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि अलग अलग पूजा घर बनाकर भगवान का बंटवारा कर लिया है। इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती भी बांट ली है। सागर भी अलग अलग हिस्सों पर अधिकार कर उसे भी बांट लिया है। अब कम से कम इंसान को बंटवारा तो मत करो।
दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है, उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल धनी लोगों के घरों में ही है, धनवान लोगों के घर में ही अब तक बिजली आ चुकी है। गरीबों के झोपड़े में अभी भी दीपक ही यानी कि दिए की ज्योत ही जलती है। अभी सूर्य का संदेश प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिल पाया है। मानव समानता का विचार अभी दुनिया के बहुत से लोगों तक नहीं पहुंचा है। धरती अब भी पहले की तरह ही हरी भरी है। ऊपर नीले रंग का विस्तृत आकाश भी पहले जैसा ही है, लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला यह संसार भी जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। हमें हर प्यासी चट्टान को प्यार के लिए, तरसते हृदयों को प्यार का जल देकर उसकी प्यास बुझानी चाहिए। समानता के सूरज का प्रकाश तभी ही सबको मिल सकेगा जब सब लोग एक साथ जग जाए और अपना दरवाज़ा खोल ले, सबके घरों के आंगन में। तभी समानता का प्रकाश, समानता की भावना फैलेगी। हर आंगन में उसी तरह खुशी छा जाएगी जैसे बाग में बहार आती है उसी तरह। विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा। तो ये सुंदर कविता विनय महाजन जी ने कहा है कि हमें ये सभी लोगों में जो भेदभाव हम देखते हैं, तो वो भेदभाव भूलकर हमें सभी लोगों को एकता, मिलजुल कर रहना और समानता से रहने की हमें यह कविता सीख देती है। तो शुरू करते हैं। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजाघर, मंदिर यानी कि हिंदुओं को जो पूजा स्थान होते हैं उसे कहते हैं मंदिर। मुसलमान में कहाँ पर जाते हैं तो के मस्जिद में। गिरजाघर यानी कि चर्च, ईसाइयों का पूजा स्थल, इसे कहते हैं गिरजाघर। ईसाई लोग चर्च में जाते हैं तो उसका पूजा स्थल होता है गिरजाघर। बांट लिया भगवान को, बांटना यानी कि विभाजित करना। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। धरती भी बांट ली, सागर भी बांट लिया, अब इंसान यानी कि मनुष्य को अब मत बांटना। तो कवि कहते हैं कि दुनिया के लोगों से कहते हैं, कवि विनय महाजन जी कहते हैं कि दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान तो सबका एक ही है, परंतु तुमने, किसी हिंदुओं ने मंदिर मस्जिद और गिरजाघर आदि अलग अलग पूजा घर बनाकर भगवान को बांट लिया है। ईश्वर एक ही है, परंतु हम उसके रास्ते तक पहुंचने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए हमने रास्ते अलग अलग कर लिए हैं ईश्वर को। इसीलिए कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गिरजाघर में जाता है, कोई कि ईश्वर एक ही है। हमें अलग अलग रास्ते बनाकर इस तक पहुंचने के लिए अलग अलग तरह के पूजा स्थल में जाते हैं। तो के पूजा घर बनाकर भगवान का बंटवारा तो हमें कर लिया है। इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती भी बांट ली है। सागर भी अलग अलग हिस्सों पर अधिकार कर उसे भी बांट लिया है। अब कम से कम इंसान का बंटवारा तो मत करो कि हमने सागर भी बांट लिया है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें अलग अलग रास्ते तो ढूंढ लिए हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर, परंतु ईश्वर इससे पहुंचने तक रास्ता हमें कि अलग अलग कर लिया है। इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती का बंटवारा भी हमें कर लिया है कि भारत, रशिया, चीन, USA। तो कि इसी तरह अलग अलग देश में ये बंटवारा करके धरती एक ही है, परंतु हमें ही अलग अलग देश में उसका बंटवारा कर लिया है।
और सागर का भी हमें बंटवारा अलग अलग हिस्सों पर अधिकार कर उसे भी बांट लिया है। कम से कम अब से इंसान का बंटवारा तो मत करो। कवि विनय महाजन जी कहते हैं कि इन सब का तो तुमने बंटवारा कर लिया है, ईश्वर का, ईश्वर तक पहुंचने का, रास्ते का, धरती का, सागर का, अब कम से कम भगवान इंसान को, इंसान का बंटवारा तुम मत करो। अगला है कि अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर, मंजिल यानी कि लक्ष्य, बैठी दूर है राह यानी कि रास्ता, उजियाला महलों में बंदी, उजियाला यानी कि उजाला, प्रकाश, बंदी यानी कि कैद, दीपक यानी कि चिराग, मजबूर यानी कि लाचार, विवश। तो कवि कहते हैं कि दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है, कि सभी लोग एक ही है, ऐसी भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है, समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है, उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल धनी लोगों के, धनवान लोगों के घर में, अमीरों के घर में ही है, गरीबों के झोपड़े में तो अब भी दीपक की यानी कि चिराग की, चिराग ही चल रहे हैं। कि दुनिया में समानता की भावना तो फैलने की शुरुआत हो चुकी है, समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है, उसके लिए अभी बहुत हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। बिजली की रोशनी अभी ही धनवान लोगों के घर में है, गरीबों के झोपड़े में तो केवल दीपक ही की जलता है। आगे की कविता हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।